इंसाफ करती है और उसके हिसाब में कदम नहीं रहते हैं। वो अपने सेहत के मसाइल के बावजूद अपनी मीटिंग का हिस्सा बनते और इसके अलावा प्रोग्राम में शरीक होने की कोशिश करते हैं, उसमें शरीक जरूर होते हैं। अली यावर साहब, अली यावर का इस जिंदगी से गुजर जाना एक दौर का गुजर जाना है। थैंक यू सो मच। उसको जिंदा रखना है।
और एक साहब ने जो है जिक्र किया कि पंजाब का जिक्र आया, कामरान ने जिक्र किया कि जी वो चिंडी भी गए, लाहौर भी गए, कलाकंद भी गए, चकवाल भी गए और कई शहरों में भी गए, उनकी जिक्र है कई जगह नहीं है, मगर इतना मैं जानता हूँ मैं ऐनी शाहिद हूँ कि पंजाब में भी उनकी उनकी जो कमिटमेंट थी उसने क्या रंग खिलाया। हमने तो अयूब खान को गिराने के बाद एक नाम पैदा हुआ, एक मुकाम पैदा हुआ, लोग पहचानने लग गए, तालिब इल्म जानने लग गए, याहिया खान के माशाल्लाह उसकी कैद गुजारने के बाद जब हम रहा होके आए तो NSF ज्वाइन की और फैसला हुआ कि NSF को पंजाब में पूरी तरह मुनज़्ज़म करना है। कराची से अली यावर आए और एक और हमारे साथी सुहेल वायु आए। अली यावर, सुहेल वायु तो मुस्तकिल रहे, अली यावर का भी आना जाना लगा रहता था और ताल्लुक मेरा इसलिए भी ज़्यादा बन गया कि हम जहाँ भी पंजाब में घूमते थे साथ घूमते थे, रहते थे साथ रहते थे, जो जो करते थे साथ ही होकर। और अली यावर से एक बात को थोड़ी सी लाइटर नोट पे मैं करूँगा कि लाइटर नोट पे यावर से भी मैंने की थी। मैंने कहा यावर जिसम तो मैं ला दूंगा, प्रूफ तुमने फूक ली, और यकीन मानिए उसने रूह फूकी, उसने ऐसी रूह फूकी जो जिसम उसको मिला, जो लोग उसको मिले उनकी ऐसी तरबियत की, ऐसी उनको निखारा, ऐसा उनको संवारा कि वो जो है बढ़ते बढ़ते जो है वो फलदार हो गए और उन्होंने काफ़ी काम किया। ये तो एक था। एक और मेरे दोस्त ने जिक्र किया कि ये मुज़ाहमत की तहरीक इतनी आसान नहीं होती है, इसमें जो है वो लोगों को आसाइशें छोड़नी पड़ती हैं, चटाई पे सोना पड़ता है, दाल रोटी खानी पड़ती है। तो उसमें मुझे याद आ गया कि हमने पंजाब NSF का कन्वेंशन किया, मैं भी अंडरग्राउंड था, यावर भी अंडरग्राउंड था, हमें पार्टी की तरफ से हुक्म था कि भाई आपने कन्वेंशन करना भी है और पकड़े नहीं जाते, और वहाँ इतनी ज़बरदस्त जो है वो मॉनिटरिंग हो रही थी एडमिनिस्ट्रेशन की कि ना किसी होटल में हम जा सकते थे, ना किसी कार्टून के घर पे जा सकते थे। तो रात वो अक्सर याद करता है यावर, यार वो रातें हैं मुझे नहीं भूल सकती जो हमने बाहर फुटपाथ पे सो के गुजारी, मजदूरों के घर जो जहाँ आम लोग बेघर लोग सोते थे वहाँ सो के गुजारी कि वहाँ पुलिस की नज़र नहीं पड़ेगी, वो सोच भी नहीं सकते कि ये लोग यहाँ सो रहे हैं। और हम इस तरीके से खाने में वही दाल रोटी, और अक्सर जब हम ट्रैवल कर रहे होते थे बसों में सफर कर रहे होते तो जेब में चने और गुड़ रख लेते थे। वो पढ़ लिया था हमने कहीं कि भाई वो जो मुगल बादशाह ने जो है कहा मुझे चने और गुड़ दे दो बस काफ़ी है, उन्होंने कहा जब बादशाह मांग रहा है तो कुछ तो होगा चने का गुड़ दे। तो हम लोगों ने इस तरीके से जो है ट्रैवल करते रहे, इस तरीके से सोते रहे सड़कों पे फुटपाथों पर सोते रहे ताकि पुलिस की नज़र से बचते रहे और अपना काम करते रहे। दूसरी मैं अपने हवाले से कहूँगा कि अली यावर ने बहुत से लोगों को तो तैयार किया, लेकिन जैसे एक साहब ने जिक्र किया कि उसका ताल्लुक एक ऐसे खानदान से था जहाँ आसाइशों की कमी नहीं, बेहतरीन घर था रहने को, बेहतरीन माहौल था, बेहतरीन सब कुछ था, और उनको सब कुछ मिल सकता था मगर उन्होंने ये रास्ता चुना, जद्दोजहद का रास्ता चुना, इंकलाब का रास्ता चुना। तो क्यों चुना? फिर वो शायद हसन राशिद से मुतासर होकर चुना हो। हसन राशिद को तो मैंने देखा नहीं, अली यावर को तो मैंने देखा, उसका घर भी देखा, जब मैं कराची आता था उसके यहाँ ठहरता था, वो लाहौर पिंडी आते थे साथ ठहरते थे, तो मैंने तो देखा है कि वो कितना वो थे इतफाक से।
मेरा भी माजी कुछ मिलता जुलता ही गुजरा था। सेंट मेरिज कैम्ब्रिज स्कूल में पढ़ा, कैडेट कॉलेज हिसार में पढ़ा और उसके बाद आके इसमें लग गया। तो मुझे थोड़ा सा ये होता था कि यार मैं कहाँ आ गया, मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो यावर को देख के और हसन नासिर को सुन के मुझे इंस्पिरेशन मिली कि जब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, जब ये जो है आसाइशें छोड़ के एक छोटी सी कोठरी में रह सकता है तो मैं भी अपनी आसाइशें छोड़ के इनके साथ कोठरी में रह सकता हूँ। और न सिर्फ मुझे, मैं समझता हूँ मुझे एक को नहीं, कईयों को ये समझ में आया होगा कि एक आदमी जो अपनी आसाइशें छोड़ के रह रहा है तो अगर वो रह सकता है तो हम क्यों नहीं रह सकते। अगर वो जद्दोजहद में हिस्सा ले सकता है ये सोचे बगैर कि मुस्तकबिल में क्या होगा तो हम क्यों नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। ये हिडन चीज़ें हैं, ये नज़र ना आने वाली चीज़ें हैं, मगर इनको अगर आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ी हिडन ये चीज़ें हैं। एक बात और, वैसे तो बहुत सारी यादें हैं, पेशावर भी हम साथ गए, हर जगह साथ गए, जैसे यूसुफ अनवर का सुनाया, यूसुफ अनवर भी काफ़ी साथ घूमते रहे। हम एक किसानों में एक जगह जाती गए। अजीब सा वाक्य अजीब सा है मगर बात समझने की यह है कि हम लोग रात को एक गांव में ठहरे, मरदान से थोड़ा सा आगे रात को सोए, तो वो जो हमारे मेजबानी कर रहे थे उन्होंने कहा कि आप कमरे वमरे बंद कर लीजिएगा, ठीक गर्मी, खिड़की खोलने की आदत, पंखा चल रहा था, ऐसी नुकसान ही। अब वो जो है उन्होंने कहा नहीं कि आप खिड़की भी बंद रखें, पंखा चला लें, दरवाजे भी बंद रखें, सो जाए। रात सुबह तो रात को अभी हम बातें ही कर रहे थे, आपस में बातें हो रही थी तो देखें कि ऊपर से कुछ चलने की आवाज़ आ रही है। खैर सो गए किसी तरह। सुबह उठे तो उन्होंने कहा यार एक बात तो समझा दो नाश्ते के ऊपर, भाई ये तुमने क्या किया है, हम तो बड़ी मुश्किल से सोए मगर सो गए, आपने कहा था बंद रखना तो हमने बंद रखा, तो आपने आखिर ऐसा क्यों किया। कहने लगा कॉमरेड हमारे से उनका मेहमान मर गया था, वो हमारा मेहमान, हम नहीं चाहते थे कि आप मरे, हम आपको जिंदा देखना चाहते। तो अभी यहाँ पर कहने लगे हंस के कि अगर हमारे मरने से आपकी दुश्मनी खत्म हो जाती है तो हमें इस पर कोई। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इंसान की सोच है, इंसान के लिए। अब ये है कि समझ नहीं आता कि और मैं क्या कहूँ। मुझसे करीब ने कहा यार कुछ लिख के लाए हो, मैंने लिखना तो मुझे आता नहीं है, बोलना आता है बोल दूंगा, नहीं कुछ लिखना चाहिए था। मैंने कहा सब कुछ तो यहाँ लिखा हुआ है, सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है, जबान सलामत है, जो यहाँ है वो कह दूंगा, तुमने जो तहरीर करना हो कर देना। और मेरे पास अल्फाज नहीं है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, जिसके साथ इतना वक्त गुजरा, जिसके साथ इतना सफर गुजरा, जिसके साथ हर मुश्किल वक्त गुजरा, आज उसके लिए कुछ कह रहा हूं। थैंक यू। मेरे पास बाबा की फैमिली से कुछ मैसेज
सजेस्ट हैं कि आते हैं मैं बताना चाहता हूँ। एक अपनी बात तो कहना ये है कि उनकी बहन ने कहा था कि बाबा को पूरी जो आपको प्रोग्राम कर रहे हैं काफ़ी अम्यूज होता है वास्ते, काफ़ी उनको हंसी आती है। अगर उनकी ज़िंदगी में करते हैं आप फिर वो आते भी नहीं आते क्योंकि ऐसे अपनी कोई चीज़ की पसंद नहीं है। तो यहाँ आप लोग की मोहब्बत है और आप लोग की दोस्ती है सबकी। तो सब ने अभी बाबा की बात की है, अभी यहाँ की उनके दोस्त उनके साथी उनकी तहरीकों में कदम साथी रहनुमा मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट सोशल वर्कर पॉलिटिशियन टीचर। मैं बात करना चाहूँगा उनकी फैमिली के बारे में जो इससे बहुत गरीब थे, जिसको कितना बताते थे कितना शेयर करते थे बाबा। वो अपने बहन भाइयों को बहुत चाहते थे, जैसे मेरी बहन ने कहा वो बहुत प्राउड थे, बहुत फख्र था। मतलब जिस तरीके से वो मुझे बताते थे कि तुम्हारी पप्पो ने ये मास्टर्स किया हुआ है, ये PhD किया हुआ है, तुम्हारी पप्पो ये टेकिंग करती हैं, ये होता है, पता नहीं क्या क्या होंगे। हमेशा उनको सिर्फ अपनी जो अपने वारे अजहरअली खान से जो मोहब्बत थी, जो वो उनकी मतलब उनको जो लुकअप टू वाली बातें ना कि वो देखते थे कि भाई मेरे अब्बा ऐसे थे जो वो अपनी माँ से मोहब्बत करते थे। तो हमें बहुत खुशी है कि उनकी जो एक ख्वाहिश थी कि अपनी माँ के साथ मुझे सुनाया जाए वो हम पूरी कर पाए कि बहन भाई ने उसमें अपना साथ दिया। वो जो अपने भांजे और भतीजों से मोहब्बत करते थे, ये भांजे ने जितने मैसेजेस दिए मैंने आपको बताया, हुसैन आलम हसन अस्करी। हुसैन भाई ने मुझसे बोला कि हुसैन में बहुत एक्सरसाइज करते हैं, बहुत फिट एथलेटिक, कहते हैं कि अगर सोचा जाए तो यादव मामू ने मुझे सिखाया कि अपने अपने आप को अपना ख्याल कैसे रखना, हमेशा एक्टिव कैसे रहना, मैंने उनसे सीखा। हसन भाई डॉक्टर